हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर चैनल में। आज आपके सामने है 2022 की न्यू मॉडल मारुति सुजुकी अल्टो 800 का VXI वेरिएंट। इस VXI वेरिएंट में आपको इंटीरियर में एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, माइलेज कितना देती है, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हावड़ा हुगली कोलकाता आसपास से हैं और मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, तो आप स्टार बस्ट मोटर मारुति सुजुकी शोरूम मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। अगस्त 2022 के महीने में इस गाड़ी पर कितना कैश का डिस्काउंट चल रहा है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फ्रंट से शुरुआत करें तो यहाँ पर हेलोजन टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जिसमें थोड़ी सी क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। हेलोजन हेडलाइट का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है। इसकी जो आगे वाली ग्रिल है वो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में मिलती है, जिसके सेंटर में यहाँ पर 3D में लोगो दिया गया है सुजुकी का। नीचे की जो ग्रिल है रेडिएटर वाली वो भी काफ़ी स्पोर्टी है। इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं जैसा कि ये VXI वेरियंट है। दो वाइपर के साथ साथ यहाँ पर आपको एक वाटर वॉशर भी मिल जाता है। अभी हम इसके बॉनट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। बॉनट के नीचे में आपको इंसुलेशन नहीं मिलती है। इंजन की बात करें तो इसमें 796 सीसी का 3 सिलेंडर SOHC F8D पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन 47.33 BHP की पावर देता है 6000 RPM पर और 69 Nm का टॉर्क पैदा करता है 3500 RPM पर। और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एंटीना मिल जाता है। ORBM की बात करें तो मैनुअली ORBM मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर में दिए गए हैं। और साइड प्रोफाइल के फेंडर के ऊपर में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर यहां पर आपको दिया गया है। और व्हील की बात करें तो यहां पर आपको स्टील व्हील रिम का ही ऑप्शन मिलता है। C8 कंपनी के टायर मिल जाते हैं। साइज़ की बात करें तो 145/80 R12 है। यहाँ पर आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसके साथ ही इस गाड़ी के जो डोर हैं उसके ऊपर में आपको डोर गार्ड मिल जाते हैं, जिसमें अल्टो की आपको बैजिंग मिल जाती है। इसके जो डोर हैंडल हैं वो यहाँ पर आपको बॉडी कलर के साथ मिल जाते हैं, जिसको आप चाबी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो बी पिलर है, सी पिलर है, वो यहाँ पर आपको अपर ट्रिम मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी इस गाड़ी के लुक को बनाता है। और साइड प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं, एक काफ़ी कॉम्पैक्ट ये स्मॉल हैचबैक है, जो कि स्मॉल फैमिली के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। पीछे में आपको डीफॉगर और यहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलता है। इसके साथ ही नीचे में चलें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का 3D में लोगो मिल जाता है। अल्टो की बैजिंग मिल जाती है 3D क्रोम के साथ। इसकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश मिल जाती है, जिसमें हेलोजन के बल्ब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 35 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। बम्पर पर दो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो अभी मैं इसके बूट को यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जिसको आप आसानी से चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। पीछे की साइड में आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हैं। 177 लीटर का यहाँ पर आपको काफ़ी डीपली यहाँ पर आपको बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि छोटी सी जो फैमिली होती है उनके लिए काफ़ी स्पेसियस है। नीचे में आपको एक स्पेयर व्हील मिलता है। इसकी सेकेंड रो इंटीरियर की बात करें तो इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर कलर के दिए गए हैं। डुअल टोन कलर की फिनिशिंग मिल जाती है हार्ड टच मटेरियल के साथ। और पीछे वाली जो विंडो है वो यहाँ पर आपको दोनों ही मैनुअल में मिलती हैं। और सीट कंफर्ट की बात करें तो वाकई में इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इसके अंदर की जो कुशन है, जो फॉर्म है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, जैसा कि मुझे यहाँ पर दबाने से पता चल रहा है, जैसा कि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अंडर केबिन स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है दोस्तों, जिसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तो अब बात करें इसके फर्स्ट रो इंटीरियर की, तो इस गाड़ी के जो ORBM है वो यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और मैनुअल ही तरीके से आप इसको हाथों से ही फोल्ड कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक तरीके का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। सिल्वर कलर के इनसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं। डुअल टोन की यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे में आपको स्पेस मिल जाता है, कॉइन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर बोतल का यहाँ पर आपको होल्डर नहीं मिलता है। 2 स्पीकर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट जो है वो आगे और पीछे दोनों में काफ़ी अच्छा दिया गया है। नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और यहाँ से आप इसके बूट को और इसके फ्यूल के कैप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके आगे वाले बोनट को ओपन कर सकते हैं। बीम के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है। इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट में इसकी स्टीयरिंग व्हील नहीं दी गई है, जैसा कि आप इसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 2 यहाँ पर एयर बैग इस गाड़ी में दिए गए सेफ्टी के लिए।
हेडलाइट के कंट्रोल और वाइपर के यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। सेमी डिजिटल कंसोल दिया है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, टर्न इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है, नीचे में छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको ऑडोमीटर मीटर मिल जाता है, किलोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं, डिजिटल फ्यूल गॉज भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन की वार्निंग लाइट शो होती हैं, जैसे कि इसमें आपको लो बैटरी की वार्निंग, चेक इंजन की लाइट, ABS और ऑयल इंडिकेटर और साइड में आपको सीट बेल्ट की रिमाइंडर की इंडिकेशन वार्निंग लाइट दी गई हैं। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको एयरबैग, AC का वेंट मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान कैरी करने के साथ साथ गाड़ी के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। डुअल टोन कलर का यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, सेंटर में आपको हैजार्ड लाइट का बटन और दोनों तरफ आपको AC के वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम का सेटअप मिल जाता है, जैसा कि यहाँ से आप इसको म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं। यहाँ पर आपको FM का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक बटन दिया गया है और नीचे में आपको AC हीटर और एयर के यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग का एक सॉकेट दिया गया है, इसमें आपको USB का केबल का ऑप्शन नहीं दिया गया, बाकी अगर आप इसमें चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 गियर ट्रांसमिशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसा कि इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं और फ्रंट की जो पावर विंडो है उनको यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड वाली जो पावर विंडो है वो यहाँ से काम कर रही है। बाकी पीछे में यहाँ पर कोई भी आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं और को पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको सनवाइजर मिलता है, जिसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। नाइट में यूज करने के लिए यहाँ पर आपको लैंप मिल जाती है। बाकी नीचे की साइड में आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए सनवाइजर दिया गया है। इसके साथ ही अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में और इसके डिस्काउंट के बारे में। मारुति सुजुकी अल्टो 800 BXI की एक्सोरूम कीमत है 4,28,000 और इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 15 साल टैक्स देने के बाद 5,05,100 रुपये और 5 साल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 4,85,850 रुपये की ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। डिस्काउंट की बात करें तो अभी इस गाड़ी पर 22,000 तक का डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, जिसमें 8,000 तक का कैश का डिस्काउंट है, 4,000 का कॉरपोरेट का डिस्काउंट है और 10,000 का एक्सचेंज बोनस का आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जो कि अगस्त 2022 की लास्ट तारीख तक ही सिर्फ वैलिड है, उसके बाद ये डिस्काउंट बदल जाएगा। ये ऑन रोड कीमत और डिस्काउंट की जानकारी मैंने आपको बताई है स्टार बस्ट मोटर मारुति सुजुकी शोरूम मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल